सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब इंतखाबात और रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट में केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। आइंदा माली साल के बजट पर हुकूमत इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में खिलाफात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दोनों जमातों के माली अमूर से मुतालिक वुज़रा और माहरीन शरीक होंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तला'आत आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया है। पेंशन में 5% इजाफा जबकि 80 साल से जायद उम्र के अफराद की पेंशन में 20% इजाफा किया जाएगा। और मुर्तजा वहाब ने बतौर मेयर कराची हल्फ उठा लिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला ने भी हल्फ ले लिया। इलेक्शन कमीशन सिंध एजाज अनवर चौहान ने मुर्तजा वहाब से हल्फ लिया। हल्फ बरदारी की तकरीब में वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर विफाकी और सूबाई वुज़रा शरीक हुए। We'll be right back।